ये ऐसा हो रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, अभी कितना कर पा रहे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं ये मूवमेंट नहीं कर सकता था, ये मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा था। अग्निकम के बाद ये लगा ये प्रॉपर मांस पेशियों में जा रहा है, एकदम 5% बचे, 95% मेरा देखो ये पैर नहीं हिल रहा था बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास पेशेंट आए हैं डॉक्टर अभिजीत पाटिल। हाँ, डॉक्टर अभिजीत पाटिल हमारे पास पेशेंट है। और आप कहाँ से आए हैं? जगदीश चौहान, दिल्ली से। हाँ, जगदीश चौहान जी दिल्ली से आए हैं। डॉक्टर अभिजीत पाटिल जो है हमारे मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का केस है, अभी जो है एक्सरे रिपोर्ट दोनों की शो कराई जाएगी। सबसे पहले तो जो है मैक्सिमम जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे पास कोई भी आते हैं तो रिव्यू वीडियो ना के बराबर देते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक यू। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब की मूवमेंट चेक करते हैं, कौन कौन से मूवमेंट है, वो सारी चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। कर रहे हैं चलो, मैं ये मूवमेंट नहीं कर सकता था, ये मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा था। अग्निकम के बाद ये लगा ये प्रॉपर मांसपेशियों में जा रहा है, एकदम 5% बचे, 95% मेरा देखो ये पैर नहीं हिल रहा था बिल्कुल। सबसे पहले ये 9 डिग्री पे खड़ा करके प्रॉपर वाला देखिए, आराम से चीजें होती हैं ना। हेड ऑफ फेमर और एस्टेबुलम के बीच में जब प्रॉपर लुब्रिकेशन आती है तो मूवमेंट आराम से आ जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब दूसरा करिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी आराम से इजीली हो पा रहा है, ठीक। ये वाला पैर जो है लास्ट टाइम जब खड़ा कर रहे तो एक कंपन थी इसमें, हाँ इतना हो रहा था, एक कंपन थी इसमें, एक वाइब्रेशन थी। अभी मसल्स में जान आना शुरू हो गई है ना, तो चीजें आराम से होंगी। ये वाला बटन और ये वाली कोंगी मिलाना दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा आराम से चीजें हो रही है ना। डॉक्टर साहब आलती पालती मार के दिखाइए, और एक और रिव्यू लेना है पेशेंट से। अभी आराम से चीजें हो रही है ना। डॉक्टर साहब एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, वेट मैनेजमेंट में क्या चीज बताना चाह रहे हैं आप पेशेंट को? छूट रही है सर वेट मैनेजमेंट। मैं फिर वही चमत्कार नहीं, लेकिन मेरे 5 दिन में ऑलमोस्ट मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। डाइट जो सर ने डाइट दिया है, इनकी फाइल लेके आओ। मेरा 84 kg वेट था, अभी ऑलमोस्ट 70-80 पे आ गया है बिल्कुल। जो प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और जो एक्सरसाइज दी है सर ने, उससे कम हुआ। देखिए चीजें क्या होती हैं, हमारे यहाँ पे मेद धातु को कम करने वाली एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है, पंचतिक्त द्रव्यों का एक कॉम्बिनेशन है। मैं कई बार बोलता हूँ डॉक्टर साहब का फॉर्मुलेशन है, डॉक्टर युक्ता पाठक बहुत अच्छे से जो है वो फॉर्मुलेशन बनाती है और वेट मैनेजमेंट तुरंत हो जाता है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर साहब कौन सा दिन है आपको? पांचवा दिन है, और 5 दिन में ही जो है कितने % हो गया चीजें? लगभग 30 दिन का पहले वेट मैनेजमेंट देखो, वेट कितना 4 kg कम हो गया, 4 kg कम हुआ है कितने दिन में? 5 से 6 दिन अभी पूरे नहीं हुए ना, 5.5 दिन में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है प्रोटोकॉल सही होना चाहिए, चीजें आराम से होती है। मॉडर्न में डॉक्टर साहब 5 से 6 किलो लगभग कितना टाइम लगता है? जो न्यूट्रिशन वगैरह देखते हैं सारी चीजें, लगभग अंदाजन कितनी? लगभग अगर प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करेंगे तो कम से कम 3 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। जेन्युइन रिव्यू है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारे भी मेरे साथ में भी कई लोग जो है न्यूट्रिशन है, जो है बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो वेट मैनेजमेंट को देखते हैं, वेट गेन करने का, वेट लॉस करने का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देख रहे हैं, लेकिन उनका भी 5-6 महीने में ही बहुत अच्छे रिजल्ट वो भी देते हैं। लेकिन वैसा रिजल्ट हम कम से कम 1 हफ्ते, 5 दिन 6 दिन में दे पा रहे हैं, तो वो फॉर्मुलेशन है जो आयुर्वेद आचार्य द्वारा बताया गया है। सबसे पहले वेट दिखाइए, लगभग कितना वेट लॉस भी हुआ है और फैट लॉस भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, दिखाइए कितना था, कितना केजी? 84। अब लाइव के माध्यम से दिखाया जाए, ये निकलो लगभग कितना, चेक कितना है? लगभग 80। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब। एक मिनट, तो अगर खाना खाने से पहले आप 7 मिनट भी होता है? हाँ, खाना खाने से पहले। अच्छा वो उस टाइम खाना खाने से पहले वाला वेट, चलो कोई नहीं, 1 किलो तो ऊपर नीचे होता है, हाँ मिरेकल है। अब चीजें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो है 7 दिन में कई पेशेंट ने बहुत अच्छा रिव्यू सुन लिया है, 5 से 7 दिन में बहुत चीजें हो रही हैं, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे शायद मेरे से। अब रियलिटी में ट्रीटमेंट की कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। 7 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, अभी जो है 7 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद क्या ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है? मेरे द्वारा कितने महीने का गाइडेंस बोला गया है, कितने महीने फॉलो करने लगा? ये अपना भी बेसिक 7 दिन का जो सर का कोर्स है यहाँ रह के वो होने वाला है। उसके बाद सर ने बोला है 2 महीना आपको प्रॉपर डाइट परहेज जिसको बोलते हैं परहेज रखना जरूरी है। पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर पे डालना अच्छी बात नहीं, तो कुछ जिम्मेदारी पेशेंट ने भी लेनी चाहिए। प्रॉपर डाइट करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ। और 2 महीने का पीरियड सर ने दिया, 2 महीने के बाद फिर फॉलोअप है ना। 2 महीने के बाद जो है एक्सरे प्रॉपर दिखाया जाएगा कि क्या चीजें होती हैं। 2 महीने का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमने क्या करना है, 7 दिन में ब्लड फ्लो चालू हो गया जिसकी वजह से हेड ऑफ फीमर और एसिकबुलम में लुब्रिकेशन आई और मूवमेंट आ गई। मूवमेंट बिना लुब्रिकेशन के नहीं आ सकते, ब्रेक हो जाता है हेड ऑफ फीमर, तो बिना लुब्रिकेशन के मूवमेंट नहीं आ सकते। और लुब्रिकेशन तब आती है जब हेड ऑफ फीमर में ब्लड सप्लाई काफी हद तक चालू हो चुकी हो, बिना उसके नहीं आती लुब्रिकेशन। तो ब्लड फ्लो तो चालू होके दे दिया, कम से कम 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट चालू हो जाती है। अब उसको प्रॉपर फॉलो करने के लिए 1.5 से 2 मंथ चाहिए ही होते हैं, ये है सबसे मेन प्रोटोकॉल है ना। उसके बाद एक नया एक्सरे भेजना, नॉर्मल हो जाती हैं चीजें, मैक्सिमम पेशेंट की हो जाती है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जो है आयुर्वेद को सराहा है और ट्रीटमेंट की बहुत तारीफ की है। पहले तो डॉक्टर साहब के लिए ढेर सारी तारीफ, और डॉक्टर साहब ने जो भी चीजें बताई हैं बिल्कुल जेन्युइन बताई है, सैल्यूट है ना। और बहुत बहुत थैंक यू। और जी सर की भी मैं आभार मानना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे पेन से। जी तो थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हाँ, अब एक और हमारे पास पेशेंट है डॉक्टर साहब, वो एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ यहाँ नहीं जा रहे हैं। कौन सा हो रहा है डॉक्टर साहब? नहीं जाता। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे आप, हाथ ही नहीं पहुंचते थे। अच्छा यहाँ अब अभी कर पा, कितना हो पा रहा था डॉक्टर साहब उस टाइम पहले? ये ऐसा हो रहा था ऐसा। अच्छा ठीक है, अभी कितना कर पा रहे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मूवमेंट तो आराम से आ जाते हैं सारे, ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।